अच्छा जी, अब हम सबसे पहले डालेंगे नमक हसब ज़ायका, हसब ज़ायके नहीं, थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है हमने। और हमने उसमें क्या करना है, प्याज को फ्राई करने के लिए। बाकी आप लोग लाइक्स करें मेरी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, जितने लाइक्स होंगे उतनी मुझे खुशी भी होगी, और दूसरी बात ये कि मैं आपको उतनी ही चीज़ें जो है वो दिखाऊंगी कि कौन कौन से हम जो है डिशेस वगैरह बनाते हैं। और ये यकीन माने ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये वीडियोस बहुत जल्दी बन जाती हैं, इन्हें देर नहीं लगती, ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। अच्छा, मैं नॉनस्टिक, ये हमारी जो है नॉनस्टिक बर्तन है, और लेकिन हम इसमें नॉनस्टिक मैं वो यूज़ नहीं करती, मुझे पता नहीं, मैं इसके लिए ये चम्मच यूज़ करती हूँ, मुझे मैं इसमें कंफर्टेबल रहती हूँ इस चम्मच के, उसमें मेरे पास होम ही है चम्मच, लेकिन जो मुझे कंफर्टेबल फील होता है मैं उसी के उसमें करती हूँ, ठीक है। और ये हमारी जो प्याज है ये फ्राई हो रही है, थोड़े सा हमने से ज़्यादा फ्राई नहीं करना व्यूअर्स, हमने सिर्फ इतना करना है चावलों में। ये आप कुछ लोग जो है वो डार्क करते हैं, यानी कि ब्राउन करते हैं, गोल्डन गोल्डन सी करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो प्याज को ज़्यादा नहीं करते, तो हम भी नॉर्मली रखेंगे, ज़्यादा करने से वो चावलों का जो रंग होता है वो ज़रा थोड़ा डार्क हो जाता है, यानी कि ब्राउन ब्राउन सा आता है। अच्छा जी, फ्लेम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें, मैंने अभी नॉर्मल रखा हुआ है फ्लेम, ना ज़्यादा हाई है, नॉर्मल है बिल्कुल। तो अब मैं थोड़ा सा तेज़ करूँ ताकि प्याज हो जाए जल्दी से। अच्छा जी, इसके अलावा जैसे ये प्याज होगी हमने इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्चें और नमक, और ये जो होती हैं मतलब गरम मसाले की जो चीज़ें होती हैं साबुत गरम मसाले की चीज़ें, वो आपने सारी डालनी है इसमें। ठीक, ये प्याज हमारी हो रही है व्यूअर्स। अच्छा जी, हमने सोचा ये कि हम डेली कोई अच्छी बात क्या करेंगे, तो आज की अच्छी बात ये है कि आप अगर आपके घर में बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं तो उनसे प्यार और शफ़क़त से पेश आएँ, उन्हें प्यार से समझाएं, प्यार से उनको समझाने की कोशिश करें, मारें ना, और जितना आपसे हो सकता है उसके दोस्त बनकर उसके दोस्त बने आप। अच्छा जी, इसके साथ साथ अभी दोस्त को हमारी ये जो है ये भी हो रही है प्यार, सभी सही तरीके से हुई नहीं। अच्छा जी, आपके अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको कोई और डिश बनाना सिखाऊं या कोई और बताऊं, क्योंकि ज़्यादातर हम मेरे यहाँ जो डिशेस हैं वो हर किस्म की बनती हैं, चाइनीज़ भी बनती हैं, देसी भी बनती हैं, ठीक है, तो आजकल हमारा ज़ोर ज़रा देसी पे है, और चाइनीज़ जो है वो ज़्यादा ज़रा गर्मी है, तो ये मौसम ज़रा थोड़ा ठीक होने दें तो हम आपको मज़े मज़े की डिशेज़ बनाना सिखाएँगे। और अच्छा जी, अच्छा जी, देखेंगे हमारी प्याज जो है वो अपने फ्राई होने में अपने इख्तिताम पे जा रही है। बस ये लाइट गोल्डन सी हो जाएगी, अभी ये गोल्डन नहीं हुई, जब ये लाइट गोल्डन सी हो जाएगी, शेड आ जाएगा इसमें गोल्डन गोल्डन से, मैं आपको बताऊंगी भी, तो उसमें ना हमने फिर ये चीज़ें ऐड कर लेनी है अपनी सारी की सारी। ठीक है, अभी आप लोग को अभी मुझे बताएं कि आपने ये ट्राई की है, ये देखें देखें व्यूअर्स, इसका रंग कलर चेंज हो रहा है अब,
और इसी में रहते हैं। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, ज़ीरा और ये गरम मसाला, ये आपने एज इट इज ऐसे ही डाल देना है। अच्छा, मैं किसी फॉर्मेलिटी में नहीं जाती, मेरे पास जो मुझे जो भी बर्तन नज़र आता है मैं वो निकाल लेती हूँ और जिसमें मैं इजी रहती हूँ। तो आप इस पर ना वो कीजिएगा कि ये बर्तन, मतलब कि मुझे बस जो इजी लगता है मैं वो करती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चे का साथ है, मेरा छोटा बच्चा है, तो बस उसको मैंने सुलाया है, तो मैंने कहा जल्दी आपके साथ शेयर करूँ अपनी आज की जो हमारा डिनर है। फ्लेम थोड़ा सा रखें दरमियाना नॉर्मल। अच्छा जी, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद कि बर्तन अच्छे होने चाहिए। मैं लाइक जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह का आप लोगों को पसंद है आप उसी तरह से करें, जिसमें आप कंफर्ट लेवल फील करते हैं आप वो काम करें। चलें जी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा हमने चला लिया है। अब इसमें हम एडिशन करेंगे टमाटर के पेस्ट की। आपके पास अगर फ्रेश टमाटर हैं और उसमें आप फिर फ्रेश टमाटर लें, पेस्ट ना बनाएं, आप फ्रेश टमाटर काटें, उसका जायका भी अच्छा होगा, इसका भी जायका इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। ये देखें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा ये हो जाएगा, इसमें हमने चने भी डालने हैं और उन्हें थोड़ा सा इसमें ताकि उसमें भी इसकी टेस्ट जो है मसालों का वो आ जाए। तो अब इसमें हम थोड़ी हरी मिर्चें अभी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हरी मिर्चों का भी एक अपना जायका होता है, वो फिर बिल्कुल वो हो जाती हैं। हमारा मज़े की खुशबू आ रही है, मसाला हमारा सही फ्राई हो चुका है, इसमें भुन चुका है, ठीक है, और फ्लेम मैंने तेज़ कर दिए। अब इसमें हमने डालना है चने, ये लीजिए, ये हमारे चने डल गए और वो ज़बरदस्त हो गए काम। मेरे पास थोड़ा सा ऑयल था एक्स्ट्रा, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसे ऑयल, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि ऑयल मुझे लग रहा है थोड़ा कम है इसमें। अच्छा जी, फ्लेम बिल्कुल तेज़ रखे मैंने, ठीक है, और अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर मिर्चों का एडिशन करते हैं, चाहे आप काली मिर्चें डालें, सुर्ख मिर्चें डालें, तो वो इस मसाले के साथ नहीं डालनी आपने, वरना आपके चावलों का कलर जो वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप पुलाव का जो कलर होता है वो फिर नहीं आएगा, काले चावल अगर काली मिर्च डालेंगे तो काले हो जाएंगे, सुर्ख डालेंगी तो वो ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे, ठीक है, सुर्ख हो जाएंगे। तो आपको जो भी चीज़ आपने डालनी है, ठीक है, वो आप जब चावल डाल लें और आप दम पे जब रखने लगें तो तब आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो ये भी अच्छे तरीके से हो गया नाजरीन, और मैं इसके साथ साथ नमक चखती रहूँगी, क्योंकि समटाइम्स चावलों में नमक कम हो जाता है, और आज कोई पता नहीं क्या नमक में भी कुछ लग रहा है कि इसमें मैंने मिर्चें डाल दी हैं, लेकिन हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं ताकि ये अपना जायका इसमें ले आए पूरे तरीके से, ये जायके में हो जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास हैं 2.5 गिलास चावल के, और 2.5 गिलास चावल में फिर आपने मैंने 3 गिलास जिन चावल के लूँगी, क्योंकि जब भी मैं जो चावल यूज़ करती हूँ वो आधे घंटे पहले मैं उसे भिगो देती हूँ, तो इसमें मैंने 3 गिलास चावल के डालने, वो 3 गिलास सॉरी इसमें मैंने डालने हैं पानी के, ठीक है, ताकि मैं उसमें चावल जो है वो जल्दी से डाल दूँ।
जी ये देखें, मैंने एक गिलास ऐड किया इसमें, ढाई गिलास चावल लिए मैंने, आपको पहले बताया है, इसमें मैंने ये दो गिलास ऐड कर लिए, और ये मेरा तीसरा गिलास ऐड हो गया। ठीक है, अब हमने ये काम करना है कि हमने चूल्हे का जो आग है, जो फ्लेम है, इसका तेज़ कर देना है ताकि चावल हमारे बर्बाद ना हो, खिले खिले में और ज़ायकेदार रहें। ठीक है, और अब वो जल्दी से बन जाए, झटपट बन जाए। मैं ये बेसिकली अभी हम जिस मुश्किल में है, हमारा मुल्क जिस मुश्किल में है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें हर चीज़ में एहतियात करनी चाहिए। अब देखें, मेरी हर चीज़ धुली हुई होती है, लेकिन एक वो होता है कि यार दोबारा से धो लें हम, पानी से वॉश कर लें। तो आपसे भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी एहतियात करें, खाना खाने से पहले हाथ लाजमी धोएं। ठीक है, डोर के जो लॉक्स वगैरह होती हैं, अगर उन पर आप हाथ लगाते हैं तो वो भी आप काइंडली लाजमी सबसे पहले हाथ धोएं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोएं। जितना ज़्यादा आपसे जितना ज़्यादा आप कर सकें उतना ज़्यादा आप करें, एहतियात करें, और अल्लाह पाक हम सबको इस वबा से, हमारे मुल्क को, तमाम मुसलमान ममालिक को, पूरी दुनिया को इस वबा से निकाल ले। आमीन सुमा आमीन, और अल्लाह ताला अपना करम करे, हमें महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और अच्छी बात ये बताई थी आज मैंने आपको कि नहीं, अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों के कमेंट्स पे कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी कि आज मैंने क्या अच्छी बात बताई थी आपको, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरा शो देखते हैं या नहीं देखते। ठीक है, तो आज की जो अच्छी बात थी उसको बताने के लिए आप जल्दी से, जैसे ही आप वीडियो देखें तो आप मुझे कमेंट करें कि आज की मैंने आपको क्या अच्छी बात बताई थी। अच्छा जी, हमने इतना नहीं इसे पकाना, हमने इतना नहीं इसे पकाना कि इतना वो नहीं करना, बस जैसे ही वो पानी में उबाल सा आ जाए तो हमने ये चावल डाल देंगे। देखें, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखें उबाल थोड़ा सा और आ जाए तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी।